गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, मेरे कमरे का हाल आप देख रहे हैं, बहुत बुरा हुआ पड़ा है क्योंकि मैंने क्लीन वॉश करवाने के लिए भेजा हुआ है और किचन की सफाई मैंने कर ली है, जैसा भी मेरा किचन है। उसके बाद मैं रेडी होने लग गई क्योंकि हमने जाना था वलीमा पर, तो मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा था। मैंने फटाफट से फिर पहले सनब्लॉक लगाया। लोग वैसे मोस्टली दिन में सनब्लॉक लगाते हैं और मैंने रात में अप्लाई किया। फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई की मुझे, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं मिल रहा था। और कहते हैं ना, जब किस्मत ज़रा गड़बड़ में हो तो सब कुछ ही गड़बड़ में होता है। तो फिर मैंने जो है हाथ के साथ ही ब्लेंड कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है जी कंसीलर की, तो कंसीलर को भी मैं अपनी फिंगर्स के साथ डैब डैब कर रही हूँ कि चलो ब्लेंड हो जाए जिस तरह भी हो ना। तो फिर उसके बाद मैंने जो है अपने आप को देखा, मैं सही लग रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने आईब्रो को सेट किया। आईब्रो मैंने आज अपनी खुद ही बनाई, तो वो शेप सही नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप शेप अच्छी दे लेते हो। तो उसके बाद मैंने अपनी फिंगर्स के साथ ही जो ब्लशन होता है उसको ही अपनी आंखों पर लगाया, और उसके साथ ही जो है ब्लेंड के बाद में मुझे लकीली मुझे मिल गया ब्यूटी कॉटन बड। ब्यूटी ब्लेंडर नहीं, मैं कहने लगी थी कि ब्यूटी ब्लेंडर, तो कॉटन बड मिला। उसको मैंने अपनी आंखों पे ऐसे, मैंने कहा चलो अच्छी शेप आ जाएगी। देन मैंने हुदा ब्यूटी का जो ग्लिटरी शेड है उसको लिया और अपनी आंखों पे लगा लिया, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो है ब्लैक और इसमें हल्का सा टच है मेहरून का, तो मैंने जो है यही मेहरून लगा लिया। और उसके बाद काशिश की पैलेट से लगा लिया शिमरी शेड जो है अपनी आईब्रो के नीचे शायद, हाँ। उसके बाद मैंने ब्रश लिया और इस ये भी ब्रश टूट गया, मतलब मेरे से गिर गया और बिखर गया, अलग अलग हो गया ना। तो फिर इसके साथ ही मैंने अपने फेस को जो थोड़ा बहुत टचअप करना था वो किया, लेकिन शुक्र है कुछ तो मिला मुझे जिसके साथ मैं कुछ कर सकती थी, तो फिर इसके साथ ही मैंने कर लिया। मेकअप हो जाए और लिपस्टिक अजीब सी लगे तो पूरा मेकअप का बेड़ा गर्क हो जाता है। मैंने लिपस्टिक लगाई, मुझे सूट ही नहीं की, अजीब सी लग रही थी। मैंने कहा नो, चेंज करती हूँ। तो फिर इसी के ऊपर मैंने जो मेहरून ग्लोज है वो लगाया, क्योंकि ये सूट कर जानी थी और मेहरून ड्रेस में है, तो मैंने कहा यही अच्छी लगेगी, तो मैंने लगा ली। तो लिपस्टिक लगाने के बाद मेरी फाइनल लुक है ये। वाओ, आई एम सो क्यूट। रुके रुके, पूरा मेकअप नहीं हुआ था, उसमें अभी लाइनर और मस्कारा रह गया था, तो फिर ये मैंने लगा लिया और अब है मेरी फाइनल लुक। तो मैं तैयार हो गई, फुल बिंदी मैंने सिर्फ लगाई है और ये मैं घूम गई। तो अब हम शादी में जाने लगे हैं, मतलब वलीमा पे। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ, टाइम नहीं लगाती मैं तैयार होने में बिल्कुल भी। लेकिन अभी हॉल जाने में काफ़ी टाइम था क्योंकि उनका अपना हॉल और अपना राज। तो फिर उसके बाद हम हमजा की कज़न सिस्टर के घर गए क्योंकि उसकी तरफ बेटा हुआ था माशाल्लाह से, तो हमने कहा चलो उसको देखा है पहले, ये भी काम साथ साथ हो जाए। तो हम गए तो सबसे पहले जी सारे ही सोए हुए, तो फिर माशाल्लाह से हमने देखा, माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक नजर बच से बचाए और हासिलों के हाथ से भी बचाए। तो पूरे 9 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जी हॉल, माशाल्लाह से इतना लेट। मुसलमान हमारे घर वाले से भी मुसलमान घर वो इधर ही रोटी को तोड़ने तकरीबन सारे गेस्ट ही अभी पहुंचे क्योंकि उनको भी लगता है आइडिया था कि लेट ही हॉल का टाइम है। वैसे हमारे सुनने में ये आया था कि 6 बजे है हॉल टाइम, और मैं जब रेडी होने लगी तो तब 5:30 बजे हो गए थे। मैं फटाफट से रेडी हुई कि लेट ना हो जाऊं, लेकिन बाल में मुझे अब फिर भी आ रही, इधर देख हमारे इधर आ रही। तो
इधर घूमने वाली जगह है यहाँ पर। स्टिल मैं खाने का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी और तकरीबन दस बजे से पहले तैयार इतनी मुझे भूख लगी इतनी मैं वेट कर रही हूँ खाना एक बार मैं खाऊँ। मुझे भूख लगी है क्योंकि मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ आजकल तो मुझे भूख लग गई। तो फाइनली खाना आया, खाना बहुत मज़े का था, मुझे बहुत पसंद आया और एंड पे जो रशियन सैलेड थी ना यार कमाल की थी, मतलब बहुत मज़े का खाना था। और फाइनली जब जहाँ पर ध्यान हो वहाँ पे शोर का बना हो और मस्ती में हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये जिसकी मस्ती वो कर रहा मस्ती बल्कि अच्छी बात है खेल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शुक्र है मेरी गोद में आके नहीं बैठा। मैंने कहा सारे पिक्चर्स बनवा रहे हैं घूम के वीडियो बनवा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं, तो मैंने भी घूमा घूम के अपनी वीडियो बनवाई, भाई मैं क्यों पीछे रहूं किसी से, हम किसी से कम थोड़ी ना है, ना ना बिल्कुल भी नहीं। अब हमारे जाने की बारी आ गई है और हम आगे आगे जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी पीछे आओ। तो अब हम जा रहे हैं घर। ध्यान जो है हमेशा की तरह या आते हुए सो जाता है या जाते हुए सो जाता है, तो शुक्रिया जाते हुए सोया, आते हुए सोता तो इसने कचनी में उठते हैं तो इसने बहुत 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 तंग करना है, तो शुक्र है ये जाते हुए सो गया। तो शादी ख़त्म, दिन ख़त्म और मेरा व्लॉग भी ख़त्म। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।